वंदे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम। दोस्तों हम फिर हाजिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके जिसमें हम जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट पेपर पार्ट 14 है, इससे पहले हम 1 से लेकर 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये HSSC एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSSC में जितने भी वैकेंसी है, हरियाणा पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, कलर्क, जितनी वैकेंसी है सभी में इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक सभी पे 80 से लेकर 100 क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए सिलेक्टेड है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर एक टॉपिक पे 80 से 100 तक क्वेश्चन है तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, जी की इकाई है यानी जी की यूनिट क्या है। जी मतलब ग्रेविटेशन आकर्षण शक्ति, जी की यूनिट क्या है ये आपको बताना था। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है C(nn²/kg²। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग माप है, आवेग माप है किसका माप है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स ये किसका है, भार का। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखकर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन सी है ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से अदिश कौन सा है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बता सकते हैं। तो अदिश है ऊर्जा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है सी संवेग, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश एक परिमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता ये आपको बताना है। परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 में सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की विमा है, पृष्ठ तनाव की विमा कितनी है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन वो कितनी है, ML0T-2, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बल का CGS मात्र क्या होता है, बल का CGS मात्र क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो होता है डाइन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो किसके बराबर होता है, 0.001 मिमी के बराबर होता है, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का कितना वजन होता है, 9 नंबर क्वेश्चन, तो वो है 9.8 न्यूटन, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर है, 1 जूल कितने अर्क के बराबर है ये आपको बताना है। तो 1 जूल बराबर है, 4 ऑप्शन आपके सामने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, तो वह 10^7 है, अर्क के बराबर है 1 जूल, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसका एकक है, 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है शक्ति, एक अश्व शक्ति किसका एकक है, शक्ति का, सी ऑप्शन इसका राइट है, 11 में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, 1 बार बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो 10^5 से पास्कल के बराबर 1 बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है, क्या इकाई है आपको बताना है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो है तरंग देरी है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, इसमें वाट में संख्या दे रखी है, तो आपको बताना है एक शक्ति के बराबर कितना, अश्व शक्ति के बराबर कितना है, तो 15 नंबर क्वेश्चन, तो वह 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, क्या इकाई आपको बताना है, 16 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है डायोप्टर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है ये आपको बताना है, 17 नंबर क्वेश्चन, तो है रेडियन पर सेकेंड, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग की विमा क्या होती है, 18 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है M0L0T^-1, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, m/s², सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं वो आपको बताना है, 1 पारसेक में, 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो वो है 3.26, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, 20 में बी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन परम दाब है, परम दाब किसके बराबर है आपको बताना है, 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है ए, गेज दाब प्लस एक बार, ए ऑप्शन इसका राइट है। परम दाब किसके बराबर है, गेज दाब प्लस एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेमटो बराबर होता है किसके बराबर होता है, एक फेमटो किसके बराबर होता है, 22 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वो होता है 10^-15 मीटर के बराबर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वह ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वो डेसिबल में मापी जाती है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा था इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो में 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। और फ्रेंड्स आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, आपके एग्जाम जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और फ्रेंड्स आप अपने लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट का वीडियो हमारा ये ज़रूर देखें जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स हम आपके लिए 80 से 100 तक क्वेश्चन तैयार करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप अपने लिए ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं और आप हमारे जितने भी वीडियो हैं शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है कैंडेला, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के पीछे तीक्ष्णता का निर्धारण होता है किससे होता है, ये आपको बताना है, 26 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है सी, आवृत्ति से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है, किसकी वेदन क्षमता अधिक है, 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वह है गामा किरणें, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वो है ऊर्जा का, किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। वो है एम्पियर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी इकाई है, हेनरी किसकी इकाई है, हेनरी किसकी यूनिट है आपको बताना है, 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है रखता हूँ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है फ्रेंड्स। आपके सामने चार ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो है कूलाम का, विद्युत आवेश किसका मात्रक है, कूलाम का, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, कौन माना जाता है, 32 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो है H2SO4, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वह है फिलोक्विनोन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है, 34 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर NaOH, 34 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 35। तो इसका सही उत्तर होगा H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, किस यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, वो आपको बताना है, 36। तो वो होता है एमीटर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, वो आपको बताना है, 37 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनेमो, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, किस काम में आते हैं, वो आपको बताना है, ट्रांसफार्मर, 38 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वो है केवल एसी परिपथ में, सी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है सी, एक्टियोमीटर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 39 में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, 40 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वह अभिसारी लेंस, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, किसने मापा, तो वो था रोमर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक हमारे लिए बेस्ट अवार्ड होता है और हम आपके लिए कुछ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि 41 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आपका आपको पढ़ाई से संबंधित किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो के लिए ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट का समय ज़रूर निकालें और इसे पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, और अपने व्हाट्सअप के सिर्फ एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।